क्योंकि पेपर में जो आता है, जो बड़े लोग हैं उन्हीं का चपता है। उसमें आकलन किया गया कि जो सामुदायिक स्तर पे मुद्दे बहुत कुछ कम चपते हैं, जैसे आप शिक्षा को लेके जाइए या स्वास्थ्य को लेके जाइए, वो मुद्दे बहुत कम आए, और आदिवासियों के बीच जो अत्याय और वो भी कम आए। लेकिन जो गरीब, जो आदमी आपका दो वक्त का रोटी जुगाड़ नहीं पा सकता, और सच्चाई किसके सामने जाए। लोग लिखकर या पढ़कर सुनाने से बहुत कम समझते हैं, जो कि हम वीडियो के माध्यम से उनको दिखाकर तो ज्यादा लोग समझेंगे। और यहाँ में मेरे को जो सीखने को मिला, और कैमरा किस तरह से पकड़ना चाहिए, इंटरव्यू कैसे लेना चाहिए, मेरे को पता नहीं था कि इस वीडियोग्राफी में ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो वो सारी बातें मेरे को यहाँ सीखने को मिली। भी चीज़ों को सूच करना इसके मुलांसा। जब मैं यहाँ आई इस प्रशिक्षण में, तो पहला दिन हम लोगों का था कि हम सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र का न्यूज़पेपर लाए थे। हमारे जो मुद्दे होते हैं तो वो कितना छपता है, कितना हिस्सा में, कितना सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई में छपता है, वो मेरे को सीखने के लिए मिला। तो इससे बहुत सारे मुद्दे निकल के आए थे, तो हमने देखा कि राजनीति जो सत्ता की बात है वो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर में छप के आती है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश लोग किसान हैं, तो उनकी समस्या जो है उनके बारे में जो आर्टिकल आती है वो बहुत कम छोटे छोटे इसमें शब्दों में रहता है। वीडियो वॉलंटियर्स एक तरफ से सामुदायिक स्तर पे जो इंटरनेशनल मीडिया जो है बहुत सारे छापते हैं, तो सारे मुद्दे जो है बहुत कुछ सामुदायिक स्तर पे छूट जाते हैं, और पत्रकार हमारे साथी जो है उस गांव लेवल तक नहीं पहुंचते हैं। और मैं जो अपने समुदाय के लिए जो वीडियो बनाना चाहूंगी आगे चल के, तो वो एक परिणाममूलक साबित हो ऐसा मैं सोचती हूँ। और जो मीडिया जो खबर को नहीं छापती, जो हम गरीब तबके के लोगों का खबर नहीं छापती, वो पूरा आम लोगों तक उनकी बात पहुँचे, ये सोचकर मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। और मेरे को जो कठिनाई आएगी उसका सामना, तो इंडिया अनहर्ड से जो मेरे को कैमरा दिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल मैं करूंगी, और वही मेरा सबसे बड़ा हथियार है ऐसा मैं मानती हूँ।